हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्निशन स्विच के बारे में। अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपका इग्निशन स्विच ऐसा ऑन होता है और आप गाड़ी चलाते वक्त आपकी गाड़ी बंद पड़ रही है और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए लाइट आती है जाती है आप जब स्विच को हिलाते हैं तो। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आप लोग अगर जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए भी है ये वीडियो। देखिए और गौर से देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो है दोस्तों। ये देखिए कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जैसे इस स्विच में आ रही है, ये देखिए। पहले क्या होता था कि स्प्लेंडर वगैरह के जो स्विचेस होते थे उसे आप खोलकर साफ कर कर बना सकते थे, बट ये जो आजकल स्विचेस आते हैं ये पूरा फुल कवर होते हैं, मतलब ये पीछे प्लास्टिक के कवर नहीं होते, मतलब नीचे साइड में जो कवर होता है वो प्लास्टिक का नहीं होता, ये एलुमिनियम का ही होता है, जो भी कास्टिंग है उसका होता है। तो इसे खोला नहीं जा सकता दोस्तों, और खोलेंगे भी तो ये प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं होता दोस्तों। तो ये देखिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम इस गाड़ी में आ रही है, और ये गाड़ी बंद थी दोस्तों तो अभी तो ये काम कर रहा है, इसका स्विच जो है थोड़ा हिलाने पर आ रही है इसकी लाइट, बट अगर इसकी लाइट नहीं आती है और आपको अगर इस गाड़ी को चालू करना है तो आपको किस तरह से चालू करना है वही इस वीडियो में खास है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि इसे कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी गाड़ी डायरेक्ट कर चालू कर सकते हैं और बिना हेडलाइट खोले बिना स्विच को निकाले आप इसे कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास ड्रीम योगा है दोस्तों और इसका स्विच काम नहीं कर रहा था अभी तो, इस वीडियो में काम करने लगा बट ये स्विच काम नहीं कर रहा था, इससे पहले गाड़ी बंद थी है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैटरी से जो ये सप्लाई आ रहा है फ्यूज़ में आपको इसे निकाल लेना है, और ये दूसरे देखिए दूसरा जो इधर एक तार है इसमें नहीं देना है आपको, ये जो ब्लैक वाला तार है इसमें आपको देना है। आप दोनों तार ब्लैक वाले हैं जो दोनों अटैच कर दीजिए इसमें, और ये वाले तार में आप नहीं भी देंगे तो लाल वाले में तो भी चलेगा, देखिए एक में नहीं आ रहा तो आप दूसरे वाले को भी अटैच कर दीजिए, ये लाल वाला आप नहीं भी अटैच करेंगे तो भी चलेगा, जो हम देखिए अटैच कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, चारों अटैच कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है कि आपको फ्यूज़ लगा कर इसे अटैच करना है, आप जब भी इसे अटैच करें तो फ्यूज़ लगाइए क्योंकि सेफ्टी पहले होती है। तो आप बैटरी से देखिए, बैटरी का जो एक तार आया हुआ है वो ब्लैक वाले में आपको लगाना है और फ्यूज़ लगा कर लगाना है। देखिए ये देखिए चाबी नहीं लगी हुई है फिर भी ये गाड़ी चालू हो गई दोस्तों, तो इसकी जो इग्निशन स्विच है ये देखिए चाबी इसकी, अभी मैं इसे लगा कर दिखाता हूँ आपको, बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये बंद नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये डायरेक्ट हो गई है। तो अभी मैं इसको बताता हूँ कि होता क्या है, जो हमारा ये बैटरी से जो ये कनेक्शन आता है वो हमारे फ्यूज़ में जाता है, और फ्यूज़ से जो हमारा चाबी स्विच है उसमें वो वायर जाता है, और वो जो वायर वहाँ पर जाता है चाबी स्विच ऑन करने के बाद में वो इधर नीचे साइड में आता है, तो इसलिए इसे हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, हमें चाबी स्विच डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चाबी स्विच को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका चाबी स्विच बराबर नहीं है, हिलने पर गाड़ी ज़रा भी हिलती है तो ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो हम इस चाबी स्विच को रिप्लेस कर देंगे। और इसके बीच में आप फ्यूज़ लगाना ना भूलिएगा दोस्तों अगर आप इसे लगा रहे हैं तो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।